रेसिंग के अंदर आज हम बनने वाले हैं क्लोज ऑल टाइटन, और टाइटन बन के भाई हम पूरी इंडियन बाइक के अंदर तबाही मचाने वाले हैं। तो लिटरली गाइस आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो गाइस। तो गाइस आज के दिन फ्रैंकलिन को हम अपग्रेड करने जा रहे हैं क्लोज ऑल टाइटन में। लेकिन यार टाइटन में अपग्रेड करने के लिए हमें चाहिए एक टाइटन कैप्सूल, जो कि गाइस हमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर मिलने वाला है। तो पहला कैप्सूल देखते कहां पर है, ये एयरपोर्ट की लोकेशन है, और ये फिर से गाइस यहाँ पर एयरपोर्ट की बिल्डिंग के एकदम टॉप पे पड़ा ये कैप्सूल, और गाइस दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अगर ये फ्रैंकलिन कैप्सूल को खा लेता है तो भाई वो टाइटन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट गाइस ये जो हमें कैप्सूल मिला ना, ये लेवल 1 का कैप्सूल है। इसे खाने के बाद फ्रैंकलिन सिर्फ और सिर्फ सुपर टाइटन में कन्वर्ट होगा, और बाकी कैप्सूल खाने के बाद एपिक टाइटन और मेगा टाइटन में भी अपग्रेड हो सकते हैं अपन लोग। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर लेवल 1 का कैप्सूल लेने के लिए हमें वहाँ पर टॉप पे जाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी आसान मुझे नहीं लग रहा है। इसके ऊपर कुछ चीजें पड़ी है भाई, शायद इनसे मैं ऊपर जाने का रास्ता बना सकता हूँ। देखते हैं यहाँ से ऊपर चढ़ो। ओके यहाँ पे चढ़ तो गया फ्रैंकलिन, और अरे भाई यार ये वाला ग्लिच मेरे साथ पहले भी हुआ था, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया यार। फ्रैंकलिन रुक जा, अरे यार कितना ज्यादा दूर उछाला भाई, जाली के आर पार चला गया। अबे रेलवे स्टेशन पे जाएगा क्या, रेल कुचल देगी, रुक जा भाई। अबे रुक ही नहीं रहा ये, अरे फ्रैंकलिन भाई। ओके रुक गया फाइनली यार, ये एनपीसी की कार। अबे उतर साले, मुझे जाने दे, मुझे लेट हो रहा है बहुत ज्यादा यार, इतना दूर। चलो गाइस एयरपोर्ट पे तो आगे एक काम करता हूँ, ये वाले डस्टबिन को ऊपर लेके चलता हूँ। भाई उस दीवार के ऊपर चढ़ना आसान बिल्कुल भी नहीं लग रहा मुझे। अबे यार ये सीढ़ियां भी दिमाग का दही करती है। चलो भाई बड़ी मुश्किल से डस्टबिन को लेके ऊपर तो मैं आ चुका हूँ, इसको लगाऊं कहाँ पे, यहाँ पे सही रहेगा एकदम परफेक्ट। आराम से लगा देता हूँ दीवार के एकदम चिपका के, भाई कोई और ग्लिच ना हो जाए बस मैं। अरे वो फ्रैंकलिन कहाँ पे घुस गया, प्लीज गिरना मत। अरे भाई साहब चलो सक्सेसफुली ऊपर आ चुके हैं। ओके ये ग्रास प्लेट यहाँ पे पड़ी हुई है, जो भी से बोलते हैं यार नाम याद नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ इनको भाई मुझे सामने लगाना होगा, देखो मुझे रास्ता बनाना होगा वहां तक जाने के लिए, तो एक के ऊपर एक लगा देता हूँ ताकि भाई एक प्रॉपर रास्ता यहाँ पे बन जाए, और उसके बाद वहां से कैप्सूल लेके हम बनेंगे गाइस सुपर टाइटन। और सुपर टाइटन बनने के बाद भाई बहुत सारी मौज मस्ती करने वाले हैं पूरे मैप के अंदर, और उसके बाद हम बनने वाले हैं एपिक टाइटन। लेकिन यार उसके लिए मुझे एपिक कैप्सूल भी चाहिए होगा, जो कि हमें फिर से फाइंड करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर ये एकदम शायद परफेक्ट लग चुका है। ओके यहाँ से आराम से ऊपर चढ़ पा रहा हूँ। चलो गाइस फाइनली यहाँ पर मैंने प्रॉपर रास्ता बना दिया है, अब जल्दी से यार एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई ये प्लेट मैं आगे से आगे लेके आ चुका हूँ। चलो फाइनली घुसते हैं अंदर, और मे भी मुझे मिल चुका है फाइनली गाइस, यहाँ पर फर्स्ट कैप्सूल अपने को मिल चुका है। चलो इसको फ्रैंकलिन को खिलाते हैं। वो भाई साहब मैं अपग्रेड हो चुका हूँ सुपर टाइटन में, भाई कितना ज्यादा बड़ा है भाई, इसके सामने एयरपोर्ट कितना ज्यादा छोटा लग रहा है यार। सुपर टाइटन इतना बड़ा है तो एपिक टाइटन और मेगा टाइटन कितना बड़ा होगा। चलो गाइस एक काम करते हैं, इन प्लेन्स की सवारी करके आते हैं, मजा ही आ जाएगा। तो गाइस आज तक किसी ने भी इस तरीके से प्लेन नहीं उड़ाया होगा जिस तरह भाई सुपर टाइटन उड़ा रहा है। ये देखो दोनों प्लेन के ऊपर पैर रख के खड़ा हो चुका है, और फाइनली हम हवा में भी आ चुके हैं। अरे बाप रे स्पीड भी इंक्रीज हो चुकी है। वैसे अभी मैं कहाँ पे, ओके जुरासिक पार्क के ऊपर से निकल रहे हैं अपन लोग। अरे भाई बिल्डिंग देखो यार कितनी ज्यादा छोटी लग रही है यहाँ से। अरे यार प्लेन उड़ा के तो लिटरली में मजा ही आ चुका है भाई, कितना अजीब सा लग रहा है यार ये, मतलब इतने छोटे प्लेन इतने बड़े टाइटन्स को उड़ा रहे हैं। ओके भाई ये सिटी कितनी छोटी लग, अरे भाई क्या कर रहा है। अरे गाइस लगता है ये प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गई, भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, अरे यार आसमान की ऊंचाइयों में लेके जा रही तो। अरे लगता है मैं नहीं बचने वाला। अरे तो गाइस दोनों के दोनों प्लेन भाई जमीन के अंदर गाड़ दिए टाइटन ने। तो गाइस कैप्सूल खाने के बाद फ्रैंकलिन एक मिनट तक ही टाइटन बना रह सकता है, उसके बाद नॉर्मल फ्रैंकलिन बन जाता है वापस से। अब यार दोबारा टाइटन बनने के लिए हमें दोबारा से कैप्सूल फाइंड करना पड़ेगा, तो इस बार हम फाइंड करने वाले हैं एपिक कैप्सूल को, जो कि भाई ये रैंप एरिया की बिल्डिंग के। अबे यार इसके ऊपर से अभी प्लेन उड़ाया था मैंने, मतलब कि फ्रैंकलिन ने उड़ाया था टाइटन बन के, यार उसी टाइम ये कैप्सूल ले लेने था भाई, डबल साइज टाइटन बन जाते। खैर गाइस जो भी हो मैं यहाँ पर इतनी ऊंचाई पे आ चुका हूँ ना, ये देखो तो टाइटन सीधा इस बिल्डिंग पे आगे गिरा और सीधा फ्रैंकलिन बन गया। अब नीचे कैसे जाऊंगा यार। ओ भाई यहाँ पर एक स्कूटर पड़ा है, सॉरी स्कूटी पड़ी है, इसको शायद मैं लेके जा सकता हूँ। और लो यहाँ पर मैं आ भी गया। अब जल्दी चलते हैं यार रैंप के ऊपर, उसके बाद हमें बिल्डिंग के अंदर जाना होगा ताकि वो कैप्सूल हम ले पाए। बस यार ये सेफ लैंडिंग कर ले एकदम, लेट्स गो। अब यहाँ पर फुल स्पीड में लेके जाऊंगा, कहीं पर भी नहीं रुकने वाला मैं। फ्रैंकलिन जितना जल्दी हो सके जल्दी कर भाई, हमें बनना है एपिक टाइटन, जो कि पिछले वाले सुपर टाइटन से 2 गुना ज्यादा बड़ा और पावरफुल होगा, मजा आ जाएगा यार। चलो गाइज, अरे अरे नीचे नीचे, पता नहीं, अरे यार व्हीली के चक्कर में नीचे गिराएगी यार, चुपचाप चल ले यार।
ओके, अब यहाँ से मुझे नीचे वाली बिल्डिंग पर जाना है और उसी बिल्डिंग के नीचे है वो एपिक कैप्सूल। ओके चलो यहाँ पर तो आ गए, अब यहाँ से मुझे बस अपनी स्कूटी को गिराना होगा एकदम सक्सेसफुली दीवार से चिपका के एकदम, ताकि फ्रैंकलिन को डैमेज भी ना पड़े। ओके नीचे जा रही है, बस यहीं पर आना था हमें। यार इस बार तो बहुत ही इजीली ये मिशन कंप्लीट कर लिया, लेट्स गो। अरे भाई नीचे गिरा देती अभी मुझे। और फाइनली यहाँ पर हमें एपिक कैप्सूल भी मिल चुका है। चलो भाई अब बारी यहाँ पर एपिक टाइटन की। फाइनली गाइज हम कन्वर्ट हो चुके हैं एपिक टाइटन में। भाई ये टाइटन तो पिछले वाले टाइटन से काफी ज्यादा बड़ा है। ये देखो गाइस दो बिल्डिंग इसके सामने कितनी छोटी लग रही है यार। गाइस क्रेन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई इसका साइज कितना ज्यादा बड़ा है। क्रेन तो भाई घुटनों तक ही आ रही थी इसके। चलो गाइस इन दोनों बिल्डिंग के टॉप पे चलते हैं, भाई काफी ज्यादा मजा आ रहा है। अरे ऊपर तो कुछ, अरे बाप रे भाई ये बिल्डिंग बहुत ज्यादा बड़ी है, ऊपर लोड होते ही जा रही है यार। ये देखो यार ये टाइटन इतना ज्यादा बड़ा है कि चारों तरफ लोग आ गए। देखो भाई धुंधला सा दिख रहा है एकदम। और आई थिंक यहाँ पर हम टॉप पे पहुंच चुके हैं। नहीं भाई ऊपर और भी बिल्डिंग्स लोड हो रही है देखो। ओके ये लास्ट पॉइंट है यहाँ पर। आजा भाई टाइटन ऊपर आजा फटाफट। अरे यार मैप देखो भाई कितना छोटा है। और फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं इन दोनों बिल्डिंग के एकदम टॉप पर। गाइज ये वाली बिल्डिंग्स तो भाई बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊपर है। और भाई यहाँ पर जो फील आ रहा है ना भाई अलग ही लेवल का लग रहा है, मतलब मैप ही नहीं दिख रहा है यहाँ से। तो गाइज मैं सोच रहा हूँ यहाँ से एक बार जंप लेकर देखते हैं कैसा फील आता है, टाइटन मरेगा या फिर जिंदा बचेगा पता चल जाएगा। ओह साहब इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। तो गाइस मैं सही टाइम पे एकदम नीचे आया और नीचे आने के तुरंत बाद ही टाइटन फ्रैंकलिन में कन्वर्ट हो गया वापस। भाई मरते मरते बचा फ्रैंकलिन। ओके गाइस अब यहाँ पर मेगा कैप्सूल की लोकेशन देखते हैं। ओके ये तो जुरासिक पार्क के पीछे वाला बीच है। अच्छा यहाँ पर मिलेगा हमें कैप्सूल, लेकिन भाई ये सबसे ज्यादा पावरफुल कैप्सूल है। इसे खाने के बाद फ्रैंकलिन बनेगा सबसे बड़ा टाइटन। अरे फ्रैंकलिन आराम से बच के, अरे भाई कितना नजदीक से निकाला है। तो गाइज पहले प्लेन को उड़ा लेते हैं। ओके गाइज मुझे पेड़ नजर आ चुके हैं, तो भाई लगभग हम पहुंच चुके। प्लेन रुक जा यार क्या कर रहा है। अरे भाई भाई रोक थोड़े प्लेन को भाई, स्पीड कम कर ले। चलो भाई फाइनली एकदम। ओके मेगा कैप्सूल कहाँ पर है, इसके अंदर होगा। ओके फाइनली गाइज मुझे मिल चुका है मेगा कैप्सूल, अब हम बनने वाले हैं मेगा टाइटन। ओ भाई गाइज ये देखो अपना जो फ्रैंकलिन है वो इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि मैप से बाहर निकल गया भाई। लिटरली गाइज ये टाइटन इतना ज्यादा बड़ा है कि भाई कुछ भी लोड नहीं हो रहा सामने, कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, बस ऊपर से मैप ही दिख रहा है। ये देखो कुछ तो दिखना चाहिए भाई। ओके ओके यहाँ पर हल्की फुल्की सी बिल्डिंग लोड हो रही है और सामने यहाँ पर मेगा बिल्डिंग भी लोड हो चुकी है। भाई कितनी, भाई लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टाइटन इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि लिटरली मैं यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पा रहा, चलने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता मैं यहाँ पे। लेकिन हाँ अगर कोई बड़ा सा जायंट विलन आता है ना तो भाई एक ही झटके में